हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार फिर से एक बार आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ परीक्षा उपयोगी सामग्री के साथ। जैसा कि मैंने आपसे कमिट किया है कि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चार बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को बहुत गहराई में पढ़ा दूंगा, इतनी गहराई में पढ़ा दूंगा कि आपके पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, अब कहने के लिए चार टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि बहुत सारे टॉपिक्स को ये रिलेट कर देता है, कोरिलेट कर देता है। इनको पढ़ने के बाद बहुत सारा आइडिया आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन का आ जाता है। ये ध्यान रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि आपने कितना पढ़ा है, मायने ये रखता है कि आपने कितना परीक्षोपयोगी सामग्रियों को और स्तरीय परीक्षोपयोगी सामग्री का मतलब हुआ जो परीक्षा में उपयोगी है, स्तरीय का मतलब जो स्टैंडर्ड है। आप गौर कीजिए, अगर किसी पढ़ाई को अवैज्ञानिक ढंग से कर लिया जाए तो पढ़ने के बाद भी प्रश्न नहीं बनते हैं, और उसको अगर सही तरीका अपना करके तकनीकी ढंग से अगर पढ़ा जाए तो अधिक से अधिक सवाल बनते हैं। तो दो चीज़ें अधिक महत्वपूर्ण है जहाँ ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपने कितना परीक्षोपयोगी सामग्रियों को पढ़ा, एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल्स को पढ़ा, और कितना स्तरीय सामग्रियों अर्थात लेवल के मटेरियल्स को पढ़ा। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ आज के टॉपिक में। आज हम लोग, जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि चार टॉपिक को मैं गहराई में पढ़ाऊंगा, फंडामेंटल राइट्स पढ़ा दिया, प्रेसिडेंट पढ़ा दिया, लेजिस्लेटिव विधायिका आज से शुरू करूंगा, और इसमें तीन चार वीडियो में सारा चीज पढ़ा दूंगा, और न्यायपालिका जो इसके बाद पढ़ाऊंगा। तो पढ़ने का तरीका अगर वैज्ञानिक हो तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज को गेन किया जा सकता है, अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने की एबिलिटी अपने अंदर लाई जा सकती है। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण आज के टॉपिक में मिलेगा हम लोगों को। आज हम पढ़ेंगे विधायिका एक तुलनात्मक अध्ययन, लेजिस्लेटिव अ कंपैरेटिव स्टडी। आप सभी जानते हैं कि सरकार के तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और हमारे भारत में आरंभ से ही दो स्तर की सरकारें हैं, केंद्र स्तर और राज्य स्तर, और वर्तमान में 1993 से एक तीसरे स्तर की भी सरकार बन गई जिसको स्थानीय स्तर की सरकार कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें पंचायत और नगर पालिका आते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि भारत में केंद्र और राज्यों के प्रशासन में बहुत हद तक साम्यता बरती गई है, सिमिलरिटी रखने का प्रयास किया गया है, लेकिन ये जो स्थानीय सरकार है इसका रूप केंद्र और राज्य सरकार से बहुत अलग है, ये कई मायने में अलग सरकार है। इसीलिए केंद्र सरकार को केंद्र की सरकार कहते हैं, केंद्र का शासन कहते हैं, राज्य की सरकार और राज्य का शासन कहते हैं, और स्थानीय सरकार को स्वशासन कहते हैं, सेल्फ गवर्नेंस कहते हैं। तो स्थानीय सरकार स्वशासन का उदाहरण है, और इसका स्वरूप कई मायने में या बहुत अधिक मायने में केंद्र और राज्य से अलग है, और भारत में केंद्र और राज्य के शासन में बहुत हद तक समानता बरती गई है। तो हम लोग जब विधायिका की बात करें तो केंद्र की भी अपनी विधायिका होती है, राज्य की भी अपनी विधायिका होती है, तो दोनों को हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों को एक साथ पढ़ लिया जाए तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, और अलग अलग वाले सवाल तो बन ही जाएंगे, और कॉम्परेटिव सवाल भी बड़ी आसानी से बनेंगे। अगर इसको कॉम्परेटिव पढ़ा जाए तो कम समय में बहुत सारी सामग्रियों को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं, और देखिए कि केंद्र की विधायिका को बच्चा लोग संसद कहते हैं, पार्लियामेंट, और केंद्र की विधायिका का विवरण एनालिसिस
भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 79 से 122 तक 79 से 122 तक है। तो एक सवाल हमारा यहीं पर है कि केंद्र के संसद का उल्लेख संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक है। राज्य में आते हैं तो राज्य की विधायिका का उल्लेख संविधान के भाग 6 में है, केंद्र की विधायिका का उल्लेख संविधान के भाग 5 में है और राज्य की विधायिका का उल्लेख संविधान के भाग 6 में है। केंद्र की विधायिका का जो विस्तार जितने अनुच्छेदों में है वह 79 से लेकर 122 तक है और राज्य की विधायिका का विस्तार या इससे संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 168 से 212 तक है। तो यहाँ भी हमारा प्रश्न रहता है, यहाँ भी हमारा प्रश्न रहता है। अब देखिए कि केंद्र के विधायिका की जो रचना है या जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, उसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 79 में, है ना। और आर्टिकल 79 कहता है कि देयर शैल बी 3 ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट, केंद्रीय संसद के 3 अंग होंगे, अंग ऑर्गन, एंड 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, सदन 2 होंगे, अंग 3 होंगे और सदन 2 होंगे। और अंग जो 3 होते हैं उनमें एक अंग है राष्ट्रपति, एक अंग है राज्यसभा जिसको अंग्रेजी में द हाउस ऑफ स्टेट्स या हाउस ऑफ या काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी इसको कहते हैं, हाउस ऑफ स्टेट्स कह लीजिए या काउंसिल ऑफ स्टेट्स कह लीजिए, और सामान्य में राज्यसभा कहते हैं हम लोग इसको व्यवहार में। तो ये एक राष्ट्रपति अंग है, एक हाउस ऑफ स्टेट्स है और एक हाउस ऑफ पीपल्स जिसको लोकसभा कहते हैं। तो संविधान लिखता है कि केंद्रीय संसद के 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब राज्य की विधायिका में चले तो राज्य की विधायिका में के रचना का उल्लेख अनुच्छेद 168 में है। केंद्र की विधायिका अर्थात संसद के रचना का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है और राज्य की विधायिका जिसको विधान मंडल कहते हैं इसकी रचना का उल्लेख, स्ट्रक्चर का उल्लेख अनुच्छेद 168 में है। और यह भी कहता है कि राज्य विधान मंडल या राज्य की विधायिका के 3 अंग होंगे, राज्यपाल, लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद और लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा। तो केंद्रीय संसद के 3 अंग हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और राज्य की जो संसद है जिसको विधान मंडल कहते हैं इसके भी 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। अब देखिए कि अंग 3 है लेकिन सदन 2 है, हाउसेज 2 है, और केंद्र की संसद के 2 सदन हैं राज्यसभा और लोकसभा, और राज्य के विधान मंडल के 2 सदन हैं विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, लोकसभा, राज्यसभा को हाउस ऑफ स्टेट्स कहते हैं, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, और राज्य में जो है ये राज्यसभा के बराबर जो सदन है विधान परिषद इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, और लोकसभा के जो बराबर हाउस है लेजिस्लेटिव असेंबली इसको विधान सभा कहते हैं। तो याद हो गया होगा कि केंद्र के संसद के 3 अंग हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और राज्य के विधानमंडल के भी 3 अंग हैं राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, और जब सदन की बात हो, हाउसेज की बात हो, तो केंद्रीय संसद के भी 2 हाउस हैं राज्यसभा और लोकसभा, और राज्य विधानमंडल के भी 2 हाउस हैं विधान परिषद और विधानसभा। अब देखिए
कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, और जो केंद्र में राज्यसभा है वही राज्य में विधान परिषद है, और जो केंद्र में लोकसभा है वही राज्य में विधानसभा है। अर्थात केंद्र में राज्यसभा जो है यह उच्च सदन है, और राज्य में विधान परिषद उच्च सदन है। केंद्र में लोकसभा उच्च निम्न सदन है, और राज्य में विधानसभा निम्न सदन है, लोअर हाउस है। अब यहां देखिए बड़ा टेक्निकल बात है, केंद्र में उच्च सदन है राज्यसभा और निम्न सदन है लोकसभा, और राज्यसभा द्वितीयक सदन है, सेकेंडरी हाउस है, और लोकसभा प्राइमरी हाउस है। और इसी की तरह यहाँ भी है, यहाँ विधान परिषद अपर हाउस है, विधानसभा लोअर हाउस है, और विधान परिषद सेकेंडरी हाउस है, और विधानसभा प्राइमरी हाउस है। अब ये बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि सर ये कैसे हो गया। अब राज्यसभा अपर हाउस है और लोकसभा लोअर हाउस है, और अपर हाउस को सेकेंडरी क्यों कहा गया, इसको तो प्राइमरी कहना चाहिए उच्च सदन को, और लोअर हाउस को प्राइमरी क्यों कहा दिया गया। यहाँ भी वही चीज है कि विधान परिषद जो है यह सेकेंडरी हाउस अपर हाउस है लेकिन सेकेंडरी हाउस है, विधानसभा जो है यह लोअर हाउस है या प्राइमरी हाउस है, जस्ट लोकसभा की तरह। आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए जो हमने शुरू में ही बता दिया कि भारत में केंद्र और राज्यों के शासन में बहुत हद तक साम्यता बढ़ती गई है। तो अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए बढ़िया से तो थोड़ा तो समय लगेगा, लेकिन समझने में इतनी आसानी होगी, और प्रश्न जटिल से जटिल आपसे बन जाएगा जब तुलनात्मक प्रश्न पूछेगा। एकाकी प्रश्न केवल संसद से रिलेटेड अलग प्रश्न है तो आसान होता है, केवल विधानमंडल से रिलेटेड अलग प्रश्न है तो यह भी आसान होता है। दिक्कत तब होती है जब दोनों को कॉम्पिटिटिव पूछता है, आप कॉम्पिटिटिव देखें तो दोनों बहुत हद तक साम्यता है जो आपके सामने है, जो केंद्र में संसद है राज्य में विधानमंडल है, जो केंद्र में राज्यसभा है राज्य में विधान परिषद है, जो केंद्र में लोकसभा है राज्य में विधानसभा है। केंद्रीय संसद के तीन अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, और राज्य के संसद यानी विधानमंडल के भी तीन अंग है, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। केंद्र में जो राज्यसभा है राज्य में विधान परिषद है, केंद्र में जो लोकसभा है राज्य में विधानसभा है। केंद्र में राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं उच्च सदन, राज्य में विधान परिषद को अपर हाउस कहते हैं उच्च सदन, केंद्र में लोकसभा को निम्न सदन लोअर हाउस कहते हैं तो राज्य में विधानसभा को लोअर हाउस निम्न सदन कहते हैं, केंद्र में राज्यसभा को द्वितीयक सदन कहते हैं सेकेंडरी हाउस, अर्थात जो अपर हाउस है वो लोअर है वो सेकेंडरी हाउस है। यहाँ भी वही है, जो राज्य में विधान परिषद को अपर हाउस और सेकेंडरी हाउस कहते हैं, और यहाँ लोकसभा को लोअर हाउस और प्राइमरी हाउस कहते हैं, यहाँ विधानसभा को लोअर हाउस और प्राइमरी हाउस कहते हैं। अब ये बच्चों के दिमाग में नहीं बैठता है कि सर ये अपर हाउस है तो फिर सेकेंडरी कैसे हो गया, और लोअर हाउस है तो प्राइमरी कैसे हो गया। तो ये दिक्कत तब होती है जब आप वर्टिकल कंपैरिजन करते हैं, लोअर हाउस को प्राइमरी से कंपैरिजन करते हैं और अपर को सेकेंडरी से कंपैरिजन करते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। एक्चुअली है क्या कि दोनों का बेसिस अलग अलग है, अपर हाउस और लोअर हाउस का कंपैरिजन एक साथ करना है और सेकेंडरी हाउस और प्राइमरी हाउस का कंपैरिजन एक साथ करना है, क्योंकि दोनों का बेसिस अलग अलग है। तो जब दोनों का बेसिस अलग अलग है तो दोनों का मिला देते हैं तो गलती होगी। जैसे आप अपर हाउस को सेकेंडरी हाउस से मिला देते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं, गलत है। आप लोअर हाउस को प्राइमरी से करते हैं, गलत है। हमेशा अपर हाउस का कंपैरिजन लोअर हाउस से करें और सेकेंडरी का प्राइमरी से करें, तब आपके पास फाइंडिंग होगा, तब आप समझ जाइएगा। अब इसे देखिए कि अपर हाउस या अपर हाउस क्यों कहा गया और लोअर हाउस क्यों कहा गया। एक्चुअली क्या है कि केंद्र में जो राज्यसभा है यह देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व करने वाली सभा है। आप सभी पढ़ते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, और लोकसभा में आम जन के प्रतिनिधि होते हैं। तो एक बड़ा अभियान है
लेकिन एक बड़ा और सामान्य आधार है कि राज्यसभा देश के इंटेलेक्चुअल या प्रख्यात ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व करने वाली सभा है, जो प्रतिष्ठित हैं समाज में। तो चूंकि ये प्रतिष्ठित समूह की प्रतिनिधित्व करने वाली सभा है, तो प्रतिष्ठा का आधार इसे उच्च सदन, और इसकी तुलना में राज्यसभा की तुलना में लोकसभा को निम्न सदन, क्योंकि आम लोगों की प्रतिनिधित्व करने वाली सभा है। तो अपर हाउस का कंपैरिजन लोअर हाउस से किया गया है। और तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेस्टीज दिस वेरी हाउस इज कॉल्ड अपर हाउस, एंड इन कंपैरिजन विद अपर हाउस दिस वेरी हाउस इज कॉल्ड लोअर हाउस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पावर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेस्टीज अपर हाउस एंड लोअर हाउस आर कैटेगराइज्ड, and on the basis of power this very house is called secondary house and this is primary house। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब शक्ति के आधार पर देखें, प्रतिष्ठा के आधार पर देखें, तो राज्यसभा की अधिक प्रतिष्ठा है लोकसभा की तुलना में। तो राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन, और शक्ति के आधार पर देखें जब ऑन द बेसिस ऑफ पावर, तो राज्यसभा की शक्ति कम होती है और लोकसभा की शक्ति अधिक होती है। तो निश्चित रूप से जिसके पास शक्ति अधिक है वह प्राथमिक सदन है, और जिसके पास शक्ति कम है वह द्वितीयक सदन है। तो जब आप इस बात को समझते हैं, जब तक आप नहीं समझते हैं कि दोनों के विभाजन का आधार अलग अलग है, तब तक तो कन्फ्यूजन होना ही तय है। लेकिन आज के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि उच्च सदन और निम्न सदन कहने का आधार है प्रतिष्ठा, और द्वितीयक सदन और प्राथमिक सदन कहने का आधार है शक्ति। और ठीक यही स्थिति राज्य में भी है। आप देख सकते हैं, आप पढ़ते हैं कि जिस तरह से राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मनोनीत करता है, उसी तरह से राज्यपाल राज्य के विधान परिषद में इसकी कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य को प्रतिष्ठित समूह से मनोनीत करता है, जो अपने अपने क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति होते हैं, जैसे सामुदायिक सेवा, चिकित्सा, विज्ञान, कला, इस सब क्षेत्र के जो लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, मोस्ट प्रेस्टिजियस पर्सन होते हैं, उनको वो नॉमिनेट करता है। तो जिस तरह राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मनोनीत करता है, उसी तरह से राज्यपाल राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य को प्रतिष्ठित समूह से मनोनीत करता है। तो यहाँ यह उच्च सदन है, और यह आम लोगों की प्रतिनिधित्व करने वाली सभा है, तो निम्न सदन है। और यहाँ भी शक्ति के आधार पर वही बात है, आप सभी जानते हैं कि विधानसभा को बहुत शक्ति होती है, इसको कहते हैं प्राथमिक सदन, और राज्यसभा को कम शक्ति होती है, इसको कहते हैं द्वितीयक सदन। अब देखिए, राज्यसभा को अस्थायी सदन स्टेबल हाउस कहा जाता है, और लोकसभा को अनस्टेबल हाउस कहा जाता है। समझ सकते हैं आप। अब इसी पर एक देखिए इनोवेटिव क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में। अब एक बार पूछ दिया था कि इन दोनों सदन में कौन एवरग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार वन है, और कौन डेसिडुअस फॉरेस्ट पतझड़ वन है। एक तो इनोवेट करते रहता है ना, अब क्वेश्चन तो उसको उसी में से पूछना है, लेकिन ऐसा नया नया तरीका, नया नया शब्द जाल से क्वेश्चन पूछता है, वही बना पाएंगे जिनके पास कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, इसको अस्थायी सदन कहते हैं अनस्टेबल हाउस, इसको स्टेबल हाउस अनस्टेबल वेरी सॉरी इसको स्टेबल हाउस अस्थायी सदन, इसको अनस्टेबल हाउस अस्थायी सदन कहते हैं, और स्टेबल हाउस के चलते ही इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से पूछा गया। आप सभी जानते हैं कि सदाबहार वन किसको कहते हैं। सदाबहार वन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आती है कि सदाबहार का अर्थ होता है सदा हरियाली, है सही बात है, एवरग्रीन सदा हरियाली, इसका मतलब वो समझता है कि उसमें पत्तियाँ गिरती ही नहीं हैं। नो, सदाबहार वन हो चाहे पतझड़ वन हो चाहे कोई भी वन हो, पत्तियाँ सभी की गिरनी है और नई पत्ती सभी में आनी है।
होता क्या है कि सदाबहार वन की भी वृक्ष की पत्तियां गिरती हैं, पतझड़ वन के वृक्ष की पत्तियां भी गिरती हैं। बट डिफरेंस ये है कि सदाबहार वन के जो वृक्ष हैं इनकी पत्तियां एक ही बार में नहीं झड़ जाती, बारी बारी से झड़ती है। और पतझड़ वन नाम से ही स्पष्ट है, डेसिडुअस फॉरेस्ट के जो प्लांट्स हैं उनकी सभी पत्तियां एक ही बार में गिर जाती हैं, प्रायः ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में। इसके पीछे एक बड़ा कारण है। तो एक्चुअली क्या है कि अभी कमेंट तो हम देखे हैं, तो एक आध बच्चों का कमेंट आया है कि सर कुछ ज्योग्राफी पर भी मेटेरियल पढ़ाइए। तो अभी इतिहास में कुछ मेजर टॉपिक को पढ़ा दिया, संविधान पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में एक ही टॉपिक पढ़ाए, लेकिन फिर समय मिलेगा उसे भी पढ़ाएंगे। और ज्योग्राफी का भी कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर हम बहुत सारे अच्छी सामग्री हमारे लिए उपलब्ध हैं। हमने अभी भी कहा कितना ज़्यादा पढ़ने से कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता, कितना महत्वपूर्ण चीज़ को पढ़े ये मायने रखता है। तो ऐसा ही महत्वपूर्ण चीज़ लेकर के मैं आऊँगा तो वहाँ बताऊँगा, लेकिन अभी इतना समझें कि सदाबहार पतझड़ वन के जो वृक्ष हैं वो प्रायः ग्रीष्म ऋतु काल में अपनी पत्ती को झाड़ देता है और एक ही बार में सभी पत्ती झड़ जाता है, पूरा वृक्ष पत्रहीन। ठीक है, स्थिति राज्यसभा और लोकसभा की है। राज्यसभा के सभी सदस्य एक ही बार रिटायर नहीं करते, इसके एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष बाद रिटायर करते हैं और एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो सभी सदस्य अगर एक ही बार में रिटायर कर जाते तभी ना पूरा सदन खाली हो जाता। तो कुछ सदस्य हटते हैं और फिर चुन के आते रहते हैं, तो सदाबहार वन के वृक्ष कुछ पत्तियों को झाड़ते हैं, कुछ लगे रहते हैं, पत्तियां कुछ झड़ती है कुछ लगी रहती है। तो जब भी जाइएगा तो वहाँ के पेड़ में हरियाली नजर आएगी, पत्ती नजर आएगी। तो यहाँ के भी सभी सदस्य एक ही बार में रिटायर नहीं करते, तो कुछ सदस्य रिटायर करते हैं कुछ बने रहते हैं। इसलिए सदाबहार वन और लोकसभा के बारे में तो जानते ही हैं कि प्रति 5 वर्ष पश्चात लोकसभा भंग हो जाती है और भंग हो जाती है और लोकसभा के सभी सदस्य का माने ये क्या कहते हैं वैधानिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है और फिर वो नए सिरे से चुन के आते हैं। तो एक ही बार में पूरा सदन खाली हो गया कि नहीं खाली हो गया, और पतझड़ वन में एक ही बार में पूरा पेड़ खाली हो जाता है कि नहीं खाली हो जाता है। तो क्या कहिएगा, पतझड़ वन लोकसभा और सदाबहार वन राज्यसभा, क्योंकि सदाबहार क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी सदन है। ठीक है, स्थिति यहाँ देख लीजिए, विधान परिषद भी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सदाबहार वन है, यहाँ भी वही रेशियो है जो राज्यसभा का है, और विधान सभा जो है यह डेसिडुअस फॉरेस्ट के बराबर है लोकसभा, क्योंकि यहाँ भी चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए और 5 वर्ष बाद सभी हट जाते। तो एक बार इनोवेटिव तो इसी प्रकार के इनोवेटिव क्वेश्चन आते रहते हैं। और इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि राज्यसभा के गठन का उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 80 में है, पूरे संसद के गठन का उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है, पूरे विधानमंडल के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 168 में है, विधान परिषद के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 171 में है और विधानसभा के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 170 में है। जो काफी पूछे जाते हैं। और देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य को एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी कहा जाता है, और हिंदी में सांसद कहा जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य को यानी संसद सदस्य को एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कहा जाता है हिंदी में। अब यहाँ आ जाए तो विधान परिषद के सदस्य को एमएनसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो यहाँ के मेंबर को एमएनसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या हिंदी में पार्षद कहा जाता है। और यह है बच्चा लोग लेजिस्लेटिव असेंबली,
विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या संक्षेप में MLA कहते हैं, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और हिंदी में विधायक कहते हैं। तो बड़ी साज रचना है दोनों का, तुलनात्मक अध्ययन कर लेने के बाद काफ़ी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ और बताते चले कि जब कभी भी भारत के संविधान को पढ़ा जाता है और जहाँ तुलना की बात आती है तो खास करके दो देशों के संविधान का प्रभाव हमारे देश के संविधान पर बहुत है, तो उन दोनों देशों की तुलना कर ली जाती है ताकि कोई सवाल हमारा आए तो बन जाए। अब जैसे देखिए कि अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहते हैं, अमेरिका में USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहते हैं, और वहाँ का जो अपर हाउस है उच्च सदन उसको सीनेट कहते हैं, और वहाँ का जो लोअर हाउस है निम्न सदन उसे द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। ब्रिटेन में संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, और भारत की ही तरह यहाँ संसद का तीन अंग है, किंग जो प्रेसिडेंट के समान है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स राजा की सभा जो राज्यसभा के समान है या अपर हाउस है, और हाउस ऑफ कॉमन्स आम सभा जो लोअर हाउस है और भारत के लोकसभा के बराबर है। तो अभी मैंने आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से कॉम्परेटिव स्टडी किया, और जैसा कि आपको कहा गया है फैक्ट समझिए, पढ़ाई पढ़ाई होती है, आप ईमानदारी से जो भी आपको लगे कि नहीं सर इसको ऐसे बताइए, ऐसे आप में इसको ऐसे सुधार होगा, ऐसे करने से ज़्यादा हम उठ पाएंगे, तो मुझे आपका कमेंट सहज स्वीकार है। और वीडियो को कंटिन्यू सब्सक्राइब शेयर लाइक करते रहें ताकि अगला वीडियो फिर आप तक तुरंत पहुँच जाए, और अगले वीडियो में फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।